गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो एमडी लेक्चर क्लास। बच्चों, जैसे कि आपको पता है जो अपना टॉपिक चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो जो अपना टॉपिक चल रहा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन चल रहा है। और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन्स की बात करें तो इसके अंदर आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में जानने की जरूरत है। तो अपन बात करते हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर, अपन बात करते लीवर की बात कर रहे थे, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड। फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड एंड सेकेंड इज द लीवर, ठीक है। लीवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो ये इसका तो प्रॉपर साइज 1.2 kg to 1.5 kg इन वेट एंड 15 to 22 cm इन डायमीटर। लीवर इज लीवर हैव द टू लॉब्स, राइट लॉब्स एंड लेफ्ट लॉब, एंड एडिशन टू दिस लॉब टू एक्स्ट्रा लॉब्स आर ऑल्सो फाउंड। देयर इज कॉर्डेट एंड कॉर्डेट लॉब्स। And next, in next line we discuss about the two hepatic duct come out from the each lobe and join together and form the common hepatic duct. And common hepatic duct bind with the cystic duct of the gallbladder and form the common bile duct. And the common bile duct join together with the pancreatic duct and form the hepatopancreatic duct. Or hepatopancreatic duct open into the duodenum part of the small intestine. And this hepatopancreatic duct opening is guarded by inspector. This is called the inspector of OD. These are discussed in the previous video lecture. ठीक है, जो ये बातें थी वो अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर अपने डिस्कशन करी थी। जो आज की जो अंदर जो डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चों, आज के अंदर जो आज वीडियो लेक्चर के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे अपन जो रिमेनिंग जो लीवर की स्ट्रक्चर के बारे में बची थी उसकी चीज़ें करेंगे। उसके बाद फंक्शन ऑफ द लीवर के बारे में डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो जो बच्चों, जैसे अपन बात करें कि लीवर की जो स्ट्रक्चर की बात करी थी अपन ने, वहाँ तक बात कर ली थी। फिर अपन बात करते हैं लीवर इज फॉर्म फ्रॉम द हिपेटिक लोब्यूल। किससे बना होता है लीवर की बात करते हैं तो लीवर जो बना हुआ होता है किससे बना होता है, हिपेटिक लोब्यूल से बना होता है। हिपेटिक लोब्यूल किससे बना होता है, हिपेटिक लोब्यूल से बना होता है। लीवर की बात करें, लीवर इज फॉर्म फ्रॉम द हिपेटिक लोब्यूल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हिपेटिक लोब्यूल। ये एक स्ट्रक्चर है किसकी, हिपेटिक लोब्यूल की एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो आप देख पा रहे हो सामने। तो ये किसकी स्ट्रक्चर बच्चों, हिपेटिक लोब्यूल की स्ट्रक्चर है, ठीक है, हिपेटिक लोब्यूल की स्ट्रक्चर है। ये हिपेटिक लोब्यूल है। तो लीवर किससे बना होता है, लीवर इज फॉर्म फ्रॉम द हिपेटिक लोब्यूल। मींस हिपेटिक लोब्यूल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। मींस क्या होता है, हिपेटिक लोब्यूल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर। मींस हिपेटिक लोब्यूल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लोब्यूल। किसकी फंक्शनल यूनिट है, हिपेटिक लोब्यूल है, जो किसकी फंक्शनल यूनिट, लीवर की। फिर ईच हिपेटिक लोब्यूल इज फॉर्म फ्रॉम द हिपेटोसाइट सेल्स। ईच हिपेटिक लोब्यूल फॉर्म फ्रॉम द हिपेटोसाइट सेल। हिपेटोसाइट सेल्स अरेंज इन ए लाइंस एंड देयर इज स्पेस इन फॉर्म बिटवीन द लाइंस ऑफ द हिपेटोसाइट सेल। दिस इज कॉल्ड, दिस स्पेस इज लाइंड विद द एंडोथेलियम। दिस स्पेस इज कॉल्ड द सिनोसाइट्स। इसको जो क्या होती है कि हिपेटोसाइट, देखो ये जो हिपेटोसाइट सेल्स है बच्चों, ये देखो ये हिपेटोसाइट सेल्स है, ये सारी हिपेटोसाइट सेल्स है, ठीक है। हिपेटोसाइट सेल्स जो लीनियर रेंज हो रही है, और मैं बता रहा हूँ कि हिपेटोसाइट सेल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस पाया जाता है, ठीक है, स्पेस पाया जाता है। दिस इज कॉल्ड द सिनोसाइट। ये जो हिपेटोसाइट सेल्स का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट है, हिपेटोसाइट का लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट है, तो इनके बीच में जो ये स्पेस पाया जाता है, ये जो स्पेस पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, सिनोसाइट बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दिस स्पेस इज कॉल्ड द सिनोसाइट। एंड द कूपर सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस सिनोसाइट। देखो ये जो दिख रही है, देखो ये कूपर सेल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने कूपर सेल्स लिखा है, तो ये जो सिनोसाइट्स है, देखो ये सिनोसाइट मैंने लिखा है यहाँ पे, सिनोसाइट इस स्पेस का नाम क्या है, ये सिनोसाइट्स है, ये सिनोसाइट्स है, ये सिनोसाइट्स है, मतलब जो हिपेटोसाइट की जो लीनियर अरेंजमेंट्स है इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड सिनोसाइट, दिस इज कॉल्ड सिनोसाइट, दिस इज कॉल्ड सिनोसाइट, दिस इज कॉल्ड सिनोसाइट, दिस इज कॉल्ड सिनोसाइट। तो यहाँ सिनोसाइट्स के अंदर क्या है, कूपर सेल्स पाई जाती है। कूपर सेल्स आर द फेगोसाइटिक इन नेचर।
कूपर सेल्स की बात करते हैं, कूपर सेल वो किस प्रकार के होते हैं, फेगोसाइटिक नेचर की होती है। कूपर सेल्स आर द फेगोसाइटिक इन नेचर होती है, कूपर सेल्स आर द फेगोसाइटिक नेचर मींस के होते हैं दीज फेगोसाइट द बैक्टीरिया एंड ओल्ड एज या डिग्रेडेड टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं, दीज फेगोसाइटिक नेचर डिग्रेड द ब्लड सेल्स। ठीक है, इस प्रकार से जो बात करते हैं तो कूपर सेल्स होती है वो क्या करेगी बच्चों, कूपर सेल की बात करें तो कूपर सेल क्या कर देगी आपके कूपर सेल प्रेजेंट सिनोसोल इनक्लूड द रिमूव बैक्टीरिया एंड डैमेज सेल्स होती है उनको फ्रॉम द ब्लड, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड हिपेटो सॉरी दीज आर आल्सो कॉल्ड फेगोसाइटिक सेल्स या फेगोसाइटिक या सेल्स बोलते हैं। कूपर सेल क्या बोलते हैं, फेगोसाइटिक सेल्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि दीज फेगोसाइटिक नेचर एंड देन इंक्लूड आर द बैक्टीरिया एंड द डैमेज ब्लड सेल्स जो होती है उनको ये क्या इंक्लूड कर लेते हैं। कूपर सेल्स आर प्रेजेंट इन द सिनोसाइट, दिस स्पेस इज फ्रॉम सिनोसाइट दिस स्पेस। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं कि ये हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है इन बिटवीन लोब्यूल। जैसे ये एक लोब्यूल है, ठीक है, ये एक लोब्यूल है, ये आपको दिख रहा है, ये एक लोब्यूल है, ये एक हिपेटिक लोब्यूल है, दिस इज वन हिपेटिक लोब्यूल, ये एक हिपेटिक लोब्यूल की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है यहाँ पर, ये एक हिपेटिक लोब्यूल है। ठीक है, एक हिपेटिक लोब्यूल की बात करें इससे क्या होता है, इधर एक हिपेटिक लोब्यूल होगा, इसे ये इधर एक दूसरा हिपेटिक लोब्यूल इधर होगा, इधर होगा एक हिपेटिक लोब्यूल का, इधर होगा एक हिपेटिक लोब्यूल इधर होगा, मतलब इस प्रकार से लोब्यूल, ये तो एक लोब्यूल की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स होंगे, तो इन लोब्यूल्स के बीच में आता है इन दिस लोब्यूल्स ए पोर्टल ट्रायड इज फाउंड बिटवीन द सरफेस ऑफ द टू लोब्यूल। ठीक है, देखो ये जो पोर्टल ट्रायड बोलते हैं इसको, पोर्टल यहाँ पे लिखा है इसको मैं नाम दिया है पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड का मतलब क्या होता है, ट्रायड का मतलब तीन, तो यहाँ पर क्या होता है तीन जो वेन्स होती है या तीन जो अपन बात करते हैं वेसल्स होती है ओपन होती है। कैसे, देखो एक तो हिपेटिक आर्टरी यहाँ पर पाई जाती है, देखो एक तो ये हिपेटिक आर्टरी ये, ठीक है, पोर्टल ट्रायड क्यों बोलते हैं इसको, पोर्टल ट्रायड प्रेजेंट इन द इन बिटवीन द सरफेस ऑफ द टू लोब्यूल्स। ठीक है, दो लोब्यूल्स इधर वाले के बीच में जो बात करते हैं यहाँ पर एक पोर्टल ट्रायड प्रेजेंट होता है। पोर्टल ट्रायड का मीन्स क्या होता है, इसमें थ्री जो डक्ट्स होती है, थ्री वेन्स होती है, थ्री वेसल्स होती है वो पाई जाती है। कैसे, तो एक तो हिपेटिक आर्टरी ये, दूसरी होती है यहाँ पर हिपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है, दूसरी होती है हिपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है, तीसरी होती है आपके बाइल डक्ट, तो ट्रायड इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोर्टल ट्रायड बोलते हैं। तो ये था बच्चों इसकी स्ट्रक्चर बार, लीवर की जो स्ट्रक्चर के बारे में जो अपन बच गया, तो प्रीवियस वीडियो लिख सकते हैं, जो आपकी बुक के हिसाब से जो लाइन होती है वो मैंने डिस्कस करी है, जो आपके बुक्स में दे रखी है, या जो अपन लीवर के बारे में जो मोस्टली अपन को पता होना चाहिए उनके बारे में अपने यहाँ पर डिस्कशन किया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आगे की जो बात करने जा रहे हैं वो अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ द लीवर की बात करते हैं। तो फंक्शन ऑफ द लीवर की बात करते हैं, लीवर के होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं बॉडी के लिए, कौन कौन से हैं वन बाय वन अपन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन आता है लीवर का, अकॉर्डिंग टू और सिलेबस या अपन बुक्स की बात करें तो उसके हिसाब से ही अपन डिस्कशन करें, तो लीवर के फंक्शन की बात करें तो सबसे जो पहला फंक्शन आता है वो आता है फंक्शन ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ लीवर के अंदर फॉर्मेशन ऑफ बाइल। ठीक है, जो पहला जो फंक्शन है वो लीवर का है, फॉर्मेशन ऑफ द बाइल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीवर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीवर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द बाइल इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीवर, मीन्स क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ द लीवर टू सिंथेसाइज एंड सीक्रेट द बाइल। क्या फंक्शन होता है इसका, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट द बाइल। मेन फंक्शन की बात करते हैं तो इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट बाइल। ओके, क्या करेगा, बाइल का सीक्रेशन करेगा। अब बात करते हैं बाइल क्या होता है, बाइल के अंदर क्या होता है, बाइल का कंपोजिशन किस प्रकार का होता है, तो बाइल के कंपोजिशन की बात करें, बाइल कंपोजिशन की बात, बाइल कंटेन बाइल साल्ट, बाइल की कंपोजिशन की बात करते हैं तो बाइल कंपोजिशन बात करते हैं, बाइल के अंदर बाइल साल्ट पाया जाता है, बाइल पिगमेंट पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और लेसिथिन पाया जाता है।
ठीक है, दीज आर फाउंड इन द बाइल जूस, ठीक है, या बाइल, ठीक है। बाइल साल्ट की बात करें तो बाइल साल्ट कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट एंड क्लोरोकोलेट। बाइल साल्ट की बात करें तो बाइल साल्ट कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, बाइल साल्ट की बात करते हैं तो बाइल साल्ट कंटेन बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट और टोरोकोलेट, ठीक है, दी जाते हैं बाइल साल्ट। बाइल साल्ट के अंदर जो बात करते हैं ये चीज़ें होती है बाइल साल्ट के साथ में। उसके अलावा नेक्स्ट जो बात करते हैं बाइल पिगमेंट्स की बात करते हैं, बाइल देयर आर टू टाइप ऑफ बाइल पिगमेंट, फर्स्ट द बिली वर्डिन एंड दूसरा बिली रूपिन, ठीक है। एंड बाइल पिगमेंट फॉर्म फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, हमेशा याद रखना बच्चों कि बाइल पिगमेंट की बात करते हैं तो बाइल पिगमेंट बनते कैसे हैं, बाइल पिगमेंट का जो फॉर्मेशन होता है बाइल पिगमेंट फॉर्म फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन होता है उससे क्या होता है बाइल जो पिगमेंट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, उनका निर्माण होता है। तो यहाँ बुक्स में भी लाइन दे कि आपके और मैं भी बता रहा हूँ कि बाइल पिगमेंट फॉर्म फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, ठीक है। उसके बाद जो अपने था नेक्स्ट था ये बाइल पिगमेंट टू टाइप के थे बिलीरुबिन एंड बिलीरुबिन, इसके बाद कोलेस्ट्रॉल है और लेसिन, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द बाइल बाइल जूस, ठीक है। इसके बाद जो अपन बात करते हैं बाइल जूस टेक इम्पोर्टेंट पार्ट इन डाइजेशन ऑफ द फैट एंड इमल्सिफाइंग देम, इसके बाद जो नेक्स्ट जो लाइन आती है कि इसका बाइल जूस का जो इम्पोर्टेंट जो रोल होता है, ठीक है, बाइल का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो क्या होता है, क्या होता है बच्चों, डाइजेशन किसका, फैट का, ठीक है, फैट का डाइजेशन एंड इसको क्या होता है इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई का मतलब क्या होता है, इसको इस प्रकार से चेंज कर देता है ताकि ये क्या होता है जो मेम्ब्रेन्स होती है अपनी इंटेस्टाइनल जो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके जो लेक्टर होता है उसके अंदर चला जाता है, लेक्टर के थ्रू जो फैट मॉलिक्यूल होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसको क्या होता है इमल्सिफाइंग करते हैं इसको, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि जो इसका जो इम्पोर्टेंट बायो जो टेक इम्पोर्टेंट पार्ट इन डाइजेशन ऑफ द फैट्स एंड इमल्सिफाइंग देट, ठीक है। इट आल्सो चेक द फूड फ्रॉम रोटिंग, ठीक है, ये क्या करता है बाइल की बात करते हैं तो बाइल क्या करता है चेक द फूड फ्रॉम रोटिंग, रोटिंग का मतलब होता है खराब होने से, सड़ने से बचाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है उसको क्या करता है बेसिक, अभी आगे पढ़ेंगे, दिस कन्वर्ट एसिडिक नेचर ऑफ फूड टू द बेसिक नेचर एंड दिस मेक स्टेबल टू द फूड, तो ये क्या करता है इट इमल्सिफाइंग द फूड, इट इमल्सिफाइंग द मेन पार्ट या द मेन रोल ऑफ द बाइल जूस टू डाइजेस्ट द फैट्स एंड इमल्सिफाइंग देम, ठीक है, तो उनको क्या करता है इमल्सिफाइंग करने में भी मदद करता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो बात करते हैं बच्चों वो आती है आपके कि इट मूव द एसिडिक, इसके बाद जो बाइल जूस होता है आपको पता है किसका बेसिक नेचर होता है, बाइल जूस की बात करते हैं बेसिक नेचर होता है, बायो जूस की बात करते हैं बेसिक नेचर होता है, तो ये बायो जूस जो बेसिक नेचर होता है ये क्या करता है जो एसिडिक फूड है, ठीक है, एसिडिक फूड है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है बेसिक फूड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और बेसिक फूड में कन्वर्ट कर देता है जो पेनक्रेटिक जो जूस के जो एंजाइम्स है बिकम एक्टिव इन दिस बेसिक पीएच, तो क्या करता है यहाँ पर जो ड्यूडेनम पार्ट है, ड्यूडेनम पार्ट है तो ड्यूडेनम से ऊपर क्या होता है स्टोमक होता है, स्टोमक का कंटेंट आता है ड्यूडेनम का, तो ड्यूडेनम के अंदर जो कंटेंट आता है वो क्या होता है स्टोमक से, इसलिए एसिडिक नेचर होता है। और ये जो सीक्रेशन होता है आप दिमाग लगाओगे तो ये जो बाइल का सीक्रेशन होता है ये कहाँ पर होता है, ये इपेटो पेनक्रेटिक डक्ट के थ्रू कहाँ पर होता है ड्यूडेनम में ही होता है, तो ड्यूडेनम में क्या करता है ये इसको जो फूड ऊपर से एसिडिक फूड है उसको क्या बेसिक फूड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जिससे क्या होता है जो पेनक्रियाज के जो एंजाइम हो रहते हैं जो इसके बाइल साल्ट के साथ रिलीज हो रहे हैं ड्यूडेनम के अंदर, तो वो क्या होते हैं वो बेसिक पीएच पे एक्टिव होते हैं, तो इससे क्या हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगा एसिडिक जो फूड है उसकी जो पीएच होती है कन्वर्ट इन बेसिक हो जाएगी, और इसके साथ ही साथ क्या होगा जो पेनक्रियाटिक जूस है बिकम एक्टिव इन द बेसिक पीएच और वो भी अपना कार्य चालू कर देते हैं इस प्रकार से। तो ये था आपके पहला फंक्शन था बच्चों फॉर्मेशन ऑफ द बाइल, ठीक है, ये जो पहला फंक्शन था ये था आपके फॉर्मेशन ऑफ द बाइल। इसके बाद दूसरा जो फंक्शन आता है दूसरा आता है ग्लाइकोजिनेसिस, दूसरा जो फंक्शन आता है वो लीवर का आता है वो ग्लाइकोजिनेसिस, लीवर टेक पार्ट इन द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, जैसे अपन बात करते हैं लीवर प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और वेयर हेपेटिक सेल कंडक्ट ग्लाइकोजिनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोजिनेसिस मतलब अपन बात करते हैं लीवर एक्टिविटी टेक पार्ट इन द
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जब एक की ही नहीं होता, बहुत सारे इसके अंदर जो पाथवे होते हैं वो चलते रहते हैं। तो इसके अंदर लिवर सेल एक्टिवली टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ द ग्लूकोजिनेसिस। ग्लूकोजिनेसिस का मीन्स क्या होता है, व्हेन द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज प्रेजेंट इन द बॉडी दिस कन्वर्ट बाय द ग्लाइकोजिनेसिस इनटू द ग्लूकोज कन्वर्ट इन द ग्लाइकोजन एंड इट इज स्टोर्ड इन द लीवर। ठीक है, क्या होता है कि व्हेन द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज प्रेजेंट इन द बॉडी दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोजिनेसिस विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोजिनेसिस पाथवे एंड स्टोर्ड इन देन द ग्लाइकोजन देन फॉर्म ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन द लीवर। मीन्स क्या हो सकता है कि अपन सिंपल बात पे तो जब ज्यादा मात्रा में अपन भोजन ले लेते हैं और ज्यादा मात्रा आवश्यक से अधिक मात्रा में अपने शरीर के अंदर ग्लूकोज उपस्थित होता है तो ये जो ग्लूकोज होता है बच्चों ये ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होकर ये क्या उसी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में ये अपनी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस बोलते हैं। इसके बाद है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। उसके बाद जो तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या हो गया बच्चों कि जब कभी बॉडी को आवश्यकता होती है व्हेन यू नीड ऑफ ग्लूकोज इन अवर बॉडी टू डेफिशिएंसी ऑफ द ग्लूकोज देन द स्टोर्ड ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन टू द ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ द ग्लूकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, किसका ग्लाइकोजन ग्लाइकोजिनोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्टोर ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इन टू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मतलब ग्लाइकोजन का किसमें ग्लूकोज के अंदर टूटना, ग्लाइकोजन कन्वर्ट इन टू द ग्लूकोज दिस इज कॉल्ड द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसको क्या बोला है ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलेंगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों वो आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस आज तो इज द टर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करें इसमें तो आता है तो इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूका का मतलब होता है ग्लूकोज, नियो का मतलब वो होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट और जीनेसिस का मतलब ग्लूकोज का बनना। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं जब ग्लूकोज का नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना। ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है बच्चों, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या हो सकते हैं, फैटी एसिड्स है। कार्बोहाइड्रेट है क्या, फैटी एसिड नहीं है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट थोड़ी है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा पॉलीसेक्राइड होता, डाइसेक्राइड होता, ओलिगोसेक्राइड होता, मोनोसेक्राइड होता, डाइसेक्राइड होता, होता। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना, किसका बनना, ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है, फैटी एसिड। और जैसे अमीनो एसिड नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, ये बात होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसका जो फंक्शन आता है लीवर का वो आता है द हेपेटोसाइटिक सेल्स या लीवर सेल्स इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड स्टोर ऑफ द विटामिन ए। विटामिन ए के सिंथेसिस और स्टोर में इसका टेक पार्ट करते हैं। हेपेटोसाइटिक सेल्स की बात की है, लीवर सेल्स टेक पार्ट करते हैं सिंथेसिस एंड स्टोर विटामिन ए एंड दीज सेल्स एंड द हेपेटोसाइटिक सेल्स या द लीवर सेल्स आल्सो इन्वॉल्व इन द स्टोर ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन बी ट्वेल्व है। ठीक है, विटामिन डी और विटामिन बी ट्वेल्व के जो इसके जो स्टोर में भी इनकी मुख्य रोल होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट बात करें उसके बाद सिंथेसाइज लीवर सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन द जैसे अपन लीवर सेल सिंथेसाइज यूरिया डायरेक्टली बात करें लीवर सेल एक्टिवली इन्वॉल्व सिंथेसाइज यूरिया वी नो दैट द यूरिया साइकिल अकर इन द लीवर। ठीक है, यूरिया साइकिल अकर इन द लीवर। ठीक है, व्हेन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म प्रोटीन ब्रेक डाउन एमिनो एसिड एंड एमिनो एसिड ब्रेक डाउन इन टू द यूरिया इन द लीवर। मीन्स यूरिया जो फॉर्मेशन होता है यूरिया इज फॉर्म्ड इन द लीवर। मीन्स क्या होगा, लीवर सिंथेसाइज लीवर सेल सिंथेसाइज द यूरिया। अपन डायरेक्टली अपन बात करते हैं लीवर सेल सिंथेसाइज द यूरिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो सातों का पॉइंट आता है हिपेरिन आता है। लीवर सेल मेक हिपेरिन विच चेक द ब्लड क्लॉटिंग इन अ ब्लड
वेसल्स, ठीक है, जो क्या करता है, जो हिपेरिन बनाती है। लीवर सेल की बात करें तो लीवर सेल्स क्या करती है बच्चों, लीवर सेल्स क्या हिपेरिन बनाती है। हिपेरिन क्या करती है, जो ब्लड को क्लॉट नहीं बनने देती, कहाँ पे, बॉडी के अंदर, बात करें तो ब्लड वेसल्स के अंदर, विच चेक द ब्लड क्लॉटिंग इन द ब्लड वेसल्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है लीवर सिंथेसिस, लीवर सेल सिंथेसाइज प्रोटीन लाइक, जैसे हिपेरिन का हो गया जो प्रोटीन को प्रिवेंट करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। इसके बाद आटो पॉइंट सिंथेसाइज प्रोथ्रोम्बिन एंड प्रोफाइब्रिनोजन, लीवर सेल्स सिंथेसाइज प्रोटीन लाइक प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रोजन विच हैव द इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग फैक्ट्री, एज ब्लड क्लॉटिंग फैक्ट्री की तरफ कार्य करते हैं, ठीक है, टाइम ऑफ इंजरी। नेक्स्ट जो लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है लीवर आल्सो एक्ट एज ए ब्लड फॉर्मेशन ड्यूरिंग द एम्ब्रियो। जो आप लाइन नहीं देखे लेकिन बता रहा हूँ ये है ना, तो जो नौवा पॉइंट है इसमें आप ऐड कर लेना कि लीवर एक्ट एज ए ब्लड फॉर्मेशन ऑर्गन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड इट्स आल्सो वर्क एज अपोजिट इन द एडल्ट स्टेज बिकॉज इट इज फैगोसाइटिक नेचर। सेल्स आर फाउंड इन द सिनोसाइट विच ब्रेक डाउन द मैच्योर एंड मैच्योर एंड रप्चर ब्लड सेल्स, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे अपन बात करें कि यहाँ नौ पॉइंट की बात करें तो जो भ्रूणीय अवस्था होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या होता है, जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है, लीवर के अंदर बनता है बच्चों, याद रखना है ना। ब्लड इज फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन द लीवर एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ द लीवर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड एंड एडल्ट स्टेज दिस फर्क वर्क एज ए अपोजिट सच एज इज वर्क एज ए फेगोसाइटिक नेचर बिकॉज ऑफ द कूपर सेल्स। कूपर सेल ब्रेक डाउन द मेच्योर ब्लड सेल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इनका अपोजिट फंक्शन होता है जो मेच्योर अवस्था के अंदर बात करते हैं तो, ठीक है। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर अपन ने बात की लीवर और लीवर के फंक्शन के बारे में बात की है। आगे की जो कक्षा होगी उसके अंदर जो अपन डिस्कशन करेंगे वो किसके बारे में बात करके, पेनक्रियाज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज की कक्षा के अंदर वो इतना बहुत है, आगे की कक्षा के अंदर जो अपन बात करेंगे पेनक्रियाज के बारे में बात करेंगे, तीसरी जो ग्लैंड्स है अपने सिलेबस वाइज। तो आज की कक्षा में इतना बहुत, तो बच्चों धन्यवाद।